एक बेटा अपनी माँ को कभी भूल ही नहीं सकता, कभी। सौतेली माँ मुन्ना, सिर्फ माँ। पता है माँ, ऐसा कहा जाता है कि भगवान हर जगह मौजूद नहीं हो सकते, पता है, इसीलिए भगवान ने माँ को बनाया ताकि उनका भार कम हो जाए, इसलिए माँ को भगवान का दर्जा दिया जाता है। और माँ कभी भगवान सौतेले नहीं होते, वो अपने होते हैं, जैसे आप। मैं नहीं हूँ मुन्ना तेरी, नहीं हूँ। बार बार तुझे मारना चाहा, बार बार तुझे तकलीफ दी, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने तुझे जन्म नहीं दिया। मैं तेरी नहीं हो सकती मुन्ना। माँ, मुझे जिसने जन्म दिया उसका नाम तो मुझे कल पता चला है। मैं तो बस एक माँ को जानता हूँ, बस एक, वो हो आप। आपने जो कुछ भी किया ना, वो हालातों में मजबूर होकर के किया, मतलब इन 26 साल की ममता को एक हादसे की वजह से नहीं मिटने दूंगा। आपके ये आंसू गवाह है मां कि आपके मन में मेरे लिए कोई मैल नहीं है। मां, मैं कैसे आपको प्यार करना छोड़ दूं, बताओ। मां शब्द का मतलब मैंने आपसे सीखा, मेरी पहली दोस्त थी आप, मेरी पहली गुरु थी आप, मैं कैसे आपको भूल जाऊं। आप मेरी दुनिया, और कोई भी मेरी दुनिया मुझसे छीन नहीं सकता है, आप भी नहीं। और आप मुझे ऐसे कैसे छोड़ के चली गई, आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकती हूँ मां, अब नहीं जा सकती। बस मैं तेरे इस प्यार के लायक नहीं हूँ मुन्ना, नहीं हूँ मैं। इसीलिए अच्छा होगा बेटा तू मुझे जाने दे। किसने कहा मेरे प्यार के लायक नहीं हूँ? आपके मुन्ना को आपसे प्यार करने का पूरा हक है। वो क्या है ना मां, बच्चे गलत हो सकते हैं, पर मां, मां हमेशा सही सही थी, सही है और सही रहेगी। वो कभी बुरी नहीं हो सकती, कभी नहीं। मुझे माफ कर दे बेटा। प्लीज ऐसा मत बोलो। मुझे माफ कर दो नीति, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। माँ बाप आशीर्वाद देते हुए अच्छे लगते हैं, माफी मांगते नहीं। अभी मन्यू, तुमने आज जो किया, तुम्हारी पत्नी होने पर गर्व है मुझे। सो प्राउड ऑफ यू। घर चलें। मन्यू, तुम्हारे इस फैसले में मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन क्या परिवार वाले माँ को फिर से अपनाएंगे? उन्हें अपनाना होगा नीति, वरना मुझे खो देंगे। नहीं मुन्ना, वो मुझसे नहीं हो पाएगा बेटा। ये घर आपका ही है और मैं हूं ना आपके साथ। मैंने अभिमन्यु से वादा किया है कि आपके साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी। किस मिट्टी की बनी हो तो? मुन्ना तो मेरा बेटा है, पर तुमने मुझे क्यों माफ कर दिया? अपने स्वार्थ के लिए। जैसे मुन्ना को अपनी माँ की जरूरत है, वैसे ही मुझे अपनी सास की जरूरत है। मां, जो भी हुआ उसे बदल नहीं सकते, लेकिन अब आपके पास एक मौका है सौतेले शब्द के मायने बदलने का। इसे हमेशा एक गाली की तरह इस्तेमाल किया जाता है,
लेकिन आप अपने मुन्ना के लिए इसका अर्थ बदल दीजिए ना। अभी मनु आपके प्यार का सबसे बड़ा हकदार है। देखिए ना, वो आपके बेटे को लाने चला गया सिर्फ और सिर्फ आपकी खुशी के लिए, ये जानते हुए भी कि अंगद ने कितनी बार उसकी जान लेने की कोशिश की है। वाह, क्या बॉडी, क्या पर्सनैलिटी है मेरे भाई। आरसी फाइटर भाग गया है, फाइनल फाइट के लिए कोई बचा ही नहीं। अरे कोई है इस फील्ड में जो अंगद से लड़ने के लिए तैयार हो? क्या है किसी में इतनी हिम्मत? मैं लड़ूंगा। अरे तू तो अभी बोल रहा था तो अंगद का भाई है। हाँ तो मैं अंगद का भाई हूँ, पर तुम मुझे उससे मिलने नहीं दे रहे ना, तो मुझे लड़ना पड़ेगा उससे। इसी बहाने मैं उससे मिल भी लूंगा। हेलो, ये कोई बच्चों का वीडियो गेम नहीं है और ना फिल्मी फाइट है। यहाँ असली फाइट होती है और असली का खून भी बहता है और असली की हड्डियां भी टूटती है, समझे? अगर तुम्हें अंगद से लड़ना है तो तुम्हें यहाँ सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी पड़ेगी। हाँ तो अभी कर देता हूँ, कितना है बताओ? 5 लाख रुपए। क्योंकि इसमें तुम्हारी जान को खतरा है, अगर तुम्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। 5 लाख रुपए बस चलेगा? ये कार्ड नहीं चलेगा यहाँ पे, कैश। अरे तो इतनी कौन सी टेंशन वाली बात है, आप यहीं रुको, मैं 2 मिनट में अरेंज करके आया हूं, मैं लड़ूंगा। अब यही बाकी रह गया था, पांडे मैंसन में अपराधियों का बर्थडे मनेगा। अभिमन्यु और नियति ना पागल हो गए इस औरत के प्यार में। नियति, मैं हूं ना, आई अभिमन्यु। करण भैया, मुझे अर्जेंट 5 लाख रुपए चाहिए। 5 लाख? हाँ भैया, 5 लाख। भाई तू वहाँ कौन सा तमाशा करने वाला है? ये जो घर पे इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर रखा है वो कम था क्या? ठीक है सेंटी मत हो, आ रहा हूँ मैं लेके। अरे करण भैया खोलो, जल्दी खोलो। पैसे लाए कि नहीं? ये क्या नाटक लगा रखा है? अरे भैया पैसे, अरे आप बेस्ट हो मेरी जान, लव यू। बाउंसर भैया अरे भाई ये हो गया अरेंजमेंट, अब मैं अपने भाई से जाके मिल सकता हूँ, आई मीन लड़ सकता हूँ। लड़ सकते हो? लो मिल गया आज का असली फाइटर, वेलकम अभिमन्यु पांडे। आपका नाम गजेंद्र पांडे, माँ का नाम मनोरमा पांडे। और ये मेरा भाई अंगद। Hey,
ब्रो क्या पंच मारा है यार, मतलब दिन में तारे नजर आ गए मुझे। मेरे एंग्री यंग ब्रदर, मैं यहाँ पर तुमसे लड़ने नहीं आया हूँ, तुम्हें घर ले जाना है। वो क्या है ना कि आज माँ का बर्थडे है और तुम माँ के लिए गिफ्ट हो मेरी तरफ से, तो चलो माँ इंतजार कर रही होगी, चलते हैं। चलो अनमनु, अरे मैं तेरा गुस्सा समझ सकता हूँ भाई, और तेरा गुस्सा जायज भी है, मतलब मैं माँ के आंचल में पला और तू अनाथों की तरह, गलत हुआ तेरे साथ, पर मैं आया हूं ना सब कुछ ठीक करने के लिए, तो इस गुस्से को खत्म करते हैं और एक नई शुरुआत करते हैं। चले भाई, अरे भाई रोको उसको, अपनी मानता का नाटक करने तू यहां पे भी आ गए। मैं मनोरमा जी नहीं हूं जो तेरी बातों से पिघल जाऊंगा। जिस दिन से मैं तेरा नाम सुना था ना, उस दिन से मैं तुझसे नफरत करता हूं। मेरे पति के खिलाफ कुछ भी बोलने से पहले इस थप्पड़ को याद कर लेना। काश ये थप्पड़ आपने मारा होता मां, जब इसने अभिमन्यु की जान मांगी थी। तुम इस परिवार का सिर्फ हिस्सा बन सकते हो, मालिक नहीं। मैं तुम्हें अभिमन्यु की अच्छाई और मां की लाचारी का फायदा उठाने नहीं दूंगी। मैं देख रही हूं कैसे तुम मां को इमोशनली ब्लैकमेल करके उन्हें गिल्ट में डालकर अपनी सारी गलत बात मनवा रहे हो। मैं तुम्हें अपने परिवार के साथ, उनके फ्यूचर के साथ खेलने नहीं दूंगी। मैंने सिर्फ अभिमन्यु से शादी की है, लेकिन रिश्ता हर एक से बांधा है, मां से भी। भले ही वो सौतेली मां है, लेकिन हमारी अपनी है। मेरे रहते कोई भी मां को परेशान नहीं कर सकता, उनका सगा बेटा भी नहीं। तो सुधर जाओ, तुम्हारे लिए अच्छा है। कल तक का टाइम है आपके पास, डिसाइड कर लीजिए सौतेला बेटा चाहिए या फिर सगा बेटा। इतनी सी बात के लिए तूने मां को उनके बर्थडे पर रुला दिया? मुझसे ही कह दिया होता, भाई बोला है मैंने तुझे, तो मेरा जो कुछ भी वो तेरा ही हुआ ना। तो टेंशन मत ले, कल सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम हो जाएगी। लोगों के सामने मान बनना ना बहुत आसान है। गुप्ता जी, ये हमारे लॉयर हैं। गुप्ता जी, कल प्रॉपर्टी के सारे पेपर्स आप तैयार करा दीजिए। अभिमन्यु अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने भाई अंगद के नाम कर रहा है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये अभिमन्यु ना सबका नाश करके छोड़ेगा इस मनोरमा के चक्कर में। मैं आप सबसे माफी चाहता हूँ, हमने आप सबको यहाँ इस पार्टी में बुलाया, लेकिन
बात कुछ बिजी हो चलिए तो हमें कुछ प्राइवेसी चाहिए प्लीज। बहुत देर से चुप था अभिमन्यु, लेकिन अब नहीं रहूंगा। बात हद से ज्यादा बढ़ रही है। कटप्पा मामा कोई बात नहीं, भाई अपने भाई के लिए इतना तो कर ही सकता ना। और तू अंगत, एक बात मुझे प्रॉमिस कर कि सबके बाद में तू ना मां को परेशान करेगा और ना ही उन्हें रुलाएगा। भगवान झूठ ना बुलाए, परिवार पर ना कभी भरोसा ही नहीं करना चाहिए। कल तक गुच्चू भैया मेरे बेटे को अपना बड़ा बेटा मानते थे, और मनोरमा तो घर का कोई भी काम होता था ना मेरे बेटे का ही सबसे पहले नाम लेती थी। और अब देखो क्या कर रहा है उनका बेटा, बर्बादी शुरू कर दिए नानिस्टा। और अभिमन्यु के नाम प्रॉपर्टी है तो देखना दानवीर बन के ना सब कुछ दे देगा उस नाजायज को। जी जी, आपको और आपके बेटे का कम से कम इज्जत तो है इस घर में। हम और हमारा पति तो सदा नौकर बन के रह गए, अपने बच्चों का फ्यूचर के बारे में भी नहीं सोचे। अरे हमारे बच्चे जब विदेश से लौट कर आएंगे तो कहाँ मिलेगा, ना घर ना बिजनेस। अब ऐसे परेशान होने से कोई फायदा नहीं है, हमें अंगद को बोतल में उतारने के लिए उसकी जी हुजूरी तो करनी ही पड़ेगी। करण तुम तो चालाक और सयाने हो, हमने पति से तो ये भी नहीं होगा। अरे हमको तो लग रहा है ना कि हम सड़क पर आ जाएंगे या अभी बनने पे पागलपन के चलते। बाकी 10% मामा जी और 10% करण भैया के नाम पर। फिर क्यों? क्योंकि माँ ऐसा करके आपके एक बेटे ने आप पर भरोसा दिखाया है। साइन कीजिए माँ। माँ आप सोच क्या रही हैं? पगड़ी पहन आप यहां साइन कर दीजिए। हाँ जी, तू क्या कर रहा है? सब कुछ हम सब में बांट देगा तो तेरे पास क्या बचेगा? मेरे पास मां है कटप्पा मामा, तो 80% हिस्सा मेरा भी हुआ ना, है ना मां? कि मुझे जो चाहिए वो आप देंगे और आप अपनी मर्जी का करेंगे। और किया क्या आपने? अपने सौतेले बेटे और अपनी बहू के सामने मेरा तमाशा बना दिया। पहले तो आपकी बहू नियति ने मुझे थप्पड़ मारा, और कल आपके बेटे ने क्या बोला था, आपके सौतेले बेटे ने, कि सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम करेगा। और किया क्या उसने? 80% प्रॉपर्टी आपके नाम कर दी और 20% वो फालतू रिलेटिव्स के नाम पे। मुझे सच में नहीं पता था कि मुन्ना ऐसा कुछ करने वाला है बेटा। अच्छा, लेकिन पेपर साइन करने में आपको एक मिनट भी नहीं लगा, सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली आपने, और आप अपने आप को माँ कहती हैं। अपने सगे बेटे को धोखा दिया है आपने, आप माँ ने मतलब ही है। ऐसा मत बोला अंगद, तुझे अपने से अलग करना मेरी मजबूरी थी बेटा, लेकिन एक पल के लिए मैं तुम्हें नहीं भूली हूँ। हर सांस में अपने मैंने तुम्हें याद किया है, तुम्हारे लिए दुआ की है, मैं जिंदा हूँ तो सिर्फ तुम्हारे लिए। कितना झूठ, कितना झूठ बोलेंगी, थकती नहीं है आप? ये झूठ नहीं है अंगद, सच कह रही हूँ मैं। मेरा जो कुछ भी है ना सब कुछ तुम्हारा है। तुम बताओ तो सही तुम्हें क्या चाहिए? रियली? ठीक है, ये परिवार अभिमन्यु के बिना रह पाएगा? माना अंगद आपका सगा बेटा है, लेकिन आप अपने मुंह से परे अभिमन्यु की अच्छाई नहीं देख पा रही। एक बेटा आपका फायदा उठा रहा है और वही दूसरा बेटा आपकी खुशी के लिए अपनी हर खुशी दांव पर लगा रहा है। नियति, मां से कुछ मत बोलो प्लीज। देखा मां, ये आपको अब भी हर्ट नहीं करना चाहता,
सच में मैंने अपने पति जैसा निस्वार्थ इंसान आज तक नहीं देखा। I'm so proud of you, Abhimanyu. और आप इस बेटे को छोड़ रही हैं? नियति, हम चलते हैं। हमारा बाकी का सामान हम घर ढूंढने के बाद ले लेंगे। इस बहाने मैं फिर से वहां से मिल लूंगा। हाँ जी, अगर तू यहां से चला जाएगा तो मैं भी इस घर में नहीं रहूंगा। अरे कटप्पा मामा। कोई कटप्पा मामा नहीं, आपको तो रहना ही पड़ेगा ना यहाँ पर मेरे लिए। पूरे परिवार का ख्याल रखना आपको। जाएगा मुन्ना, तू तू यहां से कहीं नहीं जाएगा। अंगद, अंगद, मैं मेरी गलतियों की सजा उसे मत दू। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, उसे उसी के घर से मत निकालो। मत निकालो उसे उसी के घर से, हाथ जोड़ती हूँ मैं तुम्हारे आगे। प्लीज। ठीक है, माँ चाहे जैसी भी हो, बेटा माँ की बात मान ही लेता है। ठीक है, मैं भी आपकी बात मान लेता हूँ मनोरमा जी, और आपके इस सौतेले बेटे को सह लेता हूँ आपके लिए। लेकिन मेरी एक शर्त है। मेरी ये शर्त है कि अभिमन्यु को मेरे अंडर काम करना पड़ेगा। मैं जो कहूंगा उसे वो करना पड़ेगा, तभी वो इस घर में रह सकता है। मंजूर है? अंगद को हाँ करते हैं। ये गुस्सा और तेवर उतार दो अंगद, तुम्हारे भले के लिए एडवाइस दे रही हूं, क्योंकि इस घर में सब कुछ सही है सिवाय तुम्हारे। तो सुधर जाओ, तुम्हारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि मैं तुम्हें इस परिवार के साथ कुछ भी गलत नहीं करने दूंगी। इस गलतफहमी में मत रहना कि तुम मां और अभिमन्यु के रिश्ते को तोड़ पाओगे। तुमने देखा ना आज क्या हुआ, आगे भी ऐसा ही होगा, क्योंकि प्यार सगा सौतेला नहीं देखता, लेकिन दुनिया देखेगी। एक सौतेली माँ और सौतेली बेटे का अनोखा रिश्ता, जो खून के सगे रिश्ते से भी गहरा होगा। तो परिवार बनकर रहो, अच्छा होगा। परेशानी बनने की कोशिश की तो Thank you.
मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है नियति कि तुम मेरी हो। मैं अपने प्यार को शब्दों में बयां नहीं कर पाता, फिर भी तुम मेरी हर अनकही बात को समझ जाती हो नियति। क्योंकि मेरा तुम्हारे साथ किस्मत कनेक्शन है, जन्मों जन्मों का। मेरे लिए प्यार का मतलब तुम हो नियति, और मैं हमेशा तुमसे प्यार करते हुए अपनी लाइफ बिताना चाहता हूं, और मैं तुम्हारे इतने करीब आ जाना चाहता हूं कि उसके बाद दूर जाने की कोई गुंजाइश ही ना रहे। मैं जानती हूं कि मैं माफी मांगने लायक नहीं रही, लेकिन एक बार मुझे माफ करने की कोशिश तो कर ही सकते हैं। मैं आपसे वादा करती हूं कि आपने जो जिम्मेदारी मुझ पर डाली है, इस घर को, इस परिवार को संभालने की, उसे मैं पूरी निष्ठा से निभाऊंगी। नहीं मनोरमा, नहीं। तुम अपनी बातों से अभिमन्यु को बहला फसला सकती हो, लेकिन गजेंद्र पांडे दोबारा वो गलती नहीं करेगा। इस जायदाद पर तुमने और तुम्हारे बेटे ने अपना हक जताया हुआ है, वो मेरे खून पसीने की कमाई से बनी है, और उस पर सिर्फ मेरे बेटे अभिमन्यु का हक है, और ये हक मैं उसे वापस दिलवा कर रहूंगा। मनोरमा, तुम्हारा गुजारा इस घर में बस तब तक ही है जब तक अभिमन्यु के सामने तुम्हारी इस चालाकी, इस ढोंग के पीछे छुपा असली रूप नहीं आ जाता। एक बार अभिमन्यु ने तुमसे मुंह मोड़ लिया ना, तो मैं तुम दोनों माँ बेटे को इस घर में तो क्या पूरे यूपी में रहने तक नहीं दूंगा। गज्जू बेटा, नाश्ता लग गया है, जल्दी से आ जा। पापा, माँ किसी अच्छे काम के लिए ले जा रही होंगी। ये और कुछ अच्छा करे हो ही नहीं सकता। बेटा, मेरा दिल तुम्हारे और अभिमन्यु जितना बड़ा नहीं है। तुम दोनों भूल सकते हो इसकी घिनौनी हरकतों को, पर मैं नहीं। मैं इसे अपने परिवार की खुशियों के साथ फिर से खेलने नहीं दूंगा। पापा, आपका गुस्सा अपनी जगह सही है, लेकिन माँ ने वो सब इसलिए किया क्योंकि वो माँ है। आज मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ, और पापा, मैं अभी से इस बच्चे के लिए इतना पोसेसिव फील कर रही हूँ। माँ ने जो भी अभिमन्यु के साथ किया वो गलत था, लेकिन पापा, माँ को पछतावा है, वो शर्मिंदा है उस बात के लिए। मुझे लगता है हमें माँ को एक और मौका देना चाहिए, क्योंकि पापा, माफी से ही हर घाव भरता है। चलिए माँ, आप कहाँ लेकर जा रही हैं मुझे?